ट्रक में लोड करा दिया, उषा को घर से निकाल दिया है और हलवाई उषा को लेकर अपने साथ चला है। और अबे बात चलो तो जान मरवावे जेल करावे। हलवाई अपने घर उषा को ले गया और जे भाई चक्कर के तो काट रहा हूं गांव में, सिटी को छोड़ दिया। और इधर फौजी ने बेचारा इज्जत वाले, अब क्या करें भैया, अब इज्जत वाले थे फौजी, क्या किया फौजी ने, बढ़िया तो अब नीबरा के पेड़ पे फांसी लगा। अरे शर्म के कारण फौजी ने तब फांसी लई लगाई नामर। और बोल भैया शहर से भ्राता लेके गयो, फौजी तो मर जाता है। उषा के साथ हलवाई गांव में पहुंचा, अपना घर गांव में जाकर के खेती का काम करने लगा। जी हमारे गांव के सभी भाई बंधु हैं, ठीक है अगर हम मच जाए तो इन्हें कैसे चली जाएगी, तो चलते आइए लीला। अब तो हलवाई खेतों पे काम करता है, एक दिन खेतों पर पानी लगा रहा था, क्या हुआ मेरे भैया, खेत पानी लगाया वो एक दिना खेतन पे नागने खाई लयो हलवाई। अरे भैया जाओ तो सांप ने खा लो, अब तो सर्प ने काट लिया है। हलवाई वही गिर जाता है जब उषा ने सुना, अरे कारो है मैं तो मरेगा। सांप कारो है तो देख लो, तक हलवाई धरती पर गिर जाता है, मूर्छित तो हो जाता है। उषा ने सुना तो दौड़ी दौड़ी पहुंची और उषा रोने लगी, अब मरेगा सपा। उषा सोच रही है, पश्चाताप कर रही है, मर गए भरतार आई गए। आई करी के मर गए भरत, क्या हुआ तो जा पहले रोए ले। अब तो ऐसा सोच रही है कि मैंने ठीक नहीं किया। अरे मन ही मन में उषा भैया भारी रही पछताई, अरे करे करे यादे आज फौजी की रही है रुदन। अब तो फौजी की याद करने लगी, विचार कर रही है ना तो मैं इस घर की रही ना उस घर की, जीवन बर्बाद हो गया। हलवाई के माता पिता ने हलवाई आज उषा को घर से निकाल दिया है, कहा कि तू दाहिने तूने मेरे पुत्र को मार दिया, चली जा यहां से। अब तो उषा चौराहे चौराहे पर भीख मांगने लगी, ये हालत हो गई। उषा को कोई अपने द्वार पर बैठने नहीं देता था। जब उषा का जीवन बर्बाद हो गया, फटे पुराने वस्त्रों में ढूंढती है, तो जब उषा पर बढ़ा पाया तो बड़े दुखी होकर उषा ने सर से हाथ जोड़कर की प्रार्थना की और कहा, अरे हाथ जोड़ के अरे मेरे जैसो कोई मत करियो मानो मेरे अरे पापिनी तुम पछतावो सदा
जो पति को छोड़े चीन तुम दोनी ताबो की बाजी और भाइयों से कहना अरे बचो अरे चमकर नारी से मेरे घात निते न पले सप्री न पले की पर नारी से बचो और नई शब्दों के साथ प्रोग्राम का ब्रह्म अरे यज्ञपति महाराज के नाती गति है सुनील बालक अरे दिनेश पाल और शैलेश पाल जी उठा मन कोई बेपतरा